इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे अपना डिस्कशन न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, कुछ लोग इसका एक बड़ा मिसकंसेप्शन निकालते हैं, वो आज हम आपको दूर करेंगे। कहीं एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक थप्पड़ मारा तो कहीं अब न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। जी नहीं, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन का ये इक्वेशन इंस्टेंटेनियस होता है। और दूसरी राश की बात बताऊं, अगर आपने 9th क्लास के टीचर ने आपसे बताया हो कि हम एक्शन लगाते हैं तो बॉडी में रिएक्शन होता है, तो जान लीजिए वो गलत है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी जो ये बता सके कि कौन एक्शन था कौन रिएक्शन था। हाँ, ये जरूर बता सकती हो कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इस लॉ को एक दूसरे फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और द फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। लीजिए साहब, द फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अब यहां पर हमें एक नोट जरूर लिखना चाहिए। हमें नोट क्या लिखना चाहिए? द एक्शन एंड रिएक्शन, पहला नोट है ये, द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक तो हमें ये नोट कर लेना चाहिए, ये दो डिफरेंट बॉडीज पर ही एक्ट करेंगे बाबू। दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना चाहिए? हमें ये लिख लेना चाहिए कि विच इज एक्शन एंड विच इज रिएक्शन वी एग्जैक्टली डोंट नो। विच इज एक्शन एंड विच इज रिएक्शन, विच इज एक्शन एंड विच इज रिएक्शन वी एग्जैक्टली डोंट नो। हम एग्जैक्टली नहीं जानते, डोंट नो, बस हम इतना जानते हैं कि अगर एक फोर्स अप्लाई है तो उसके एवज में एक दूसरा फोर्स भी लगेगा। एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगाएगी, दूसरा बॉडी पहली बॉडी पर लगाएगी। देखो, इसको सबसे बेहतरीन एग्जांपल से अगर समझना चाहो तो तुम्हारा 9th का पढ़ा गया एक लॉ यहां पर काउंट सीन में लाते हैं, पिक्चर में लाते हैं। तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ma है, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास mb है, ठीक। तो बेटा, दो मासेस के बीच में, सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि दो बॉडीज जिनके पास एक वेल डिफाइंड मास हो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ये म्यूचुअल होता है। एवरी बॉडी अट्रैक्टेड विद एवरी अदर बॉडी विच हैव द मास। तो इसका मतलब अगर हम एक फोर्स इधर लगाएं, ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए ड्यू टू बी है, तो ऐसे ही एक फोर्स हम इधर भी लगाएंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई बी ड्यू टू ए। तो यानी एफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ए बी होगा फोर्स एक्सपीरियंसेस बाई ए ड्यू टू बी, और एफ बी ए ये क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंसेस बाई बी ड्यू टू ए। ये एफ ए बी और एफ बी ए की वो हो गई। तो आप सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग एफ बी ए की वैल्यू वेक्टर वर्जन में एफ बी ए एफ ए बी के बराबर। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। ये क्या हो गया? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। एवरी एक्शन हैव इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी बड़ा आसान है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो की क्वालिटी अब बहुत बेहतर होगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस M1 एंड M2, दो मासेस हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस M2 हैं, फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वहां और कोई तीसरा मास हम कंसीडर नहीं करेंगे, फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। लेट P1 एंड P2 आर द मोमेंटम ऑफ, लेट P1 एंड P2 आर द मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। P1 और P2 क्या है बेटा, मोमेंटम का ऑब्जेक्ट्स, अरे मोमेंटम है क्या, अरे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम्स हैं, तो नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेट मोमेंटम पी नेट इज इक्वल टू वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2, वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2, ये पी नेट की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, पी नेट की वैल्यू आ गई। अब सपोज करो कि कहो लेट F1 एंड F2 आर दी टू फोर्सेस, लेट F1 एंड F2 आर दी टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस M1 एंड M2, मासेस M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। तो अब अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो फोर्स लगने का डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है बेटा, मोमेंटम का चेंज होता है, क्या होता है, मोमेंटम का चेंज होता है। लेट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, लेट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी है चेंज इन मोमेंटम, लेट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम का चेंज है वो आप डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। भाई आपने फोर्सेस लगाया है तो दोनों के मोमेंटम मान लीजिए चेंज हो रहे हैं, तो अब जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है वो आप ऐसे लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं साहेब। अब एक काम करिए, आप लिखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक, इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। इट इंप्लाइड दैट अगर इसे हम लिख दें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, बेटा ये सब हम आपको इसके उसमें मैथमेटिकल टूल में बता चुके हैं, अब आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। इसको हम लिखने वाले हैं dP/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट मोमेंटम, और ये क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1, और ये क्या होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा P2 अपॉन
डेल्टा टी इट इम्प्लाइड ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू डीपी वन अपॉन डीटी प्लस डीपी टू अपॉन डीटी। वेक्टर का साइन लगाना मत भूलना, साथी हाथ बढ़ाना है, हाथी पर मोहर लगाना। देखो डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू डीपी वन प्लस डीटी प्लस डीपी टू अपॉन डीटी। ठीक है बाबू, डीपी डीपी वन अपॉन डीटी क्या है, एफ वन है, डीपी टू अपॉन डीटी क्या है, एफ टू है। तो इसे हम लिख सकते हैं डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू, वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू। ठीक, वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू। भैया जरा सही से और वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो बाबू, तब आगे बढ़े, क्योंकि कि ये एक बार में पूरा नहीं होगा। और अभी हम इसका डायग्राम भी तुम्हें समझाते हैं, मैं इसको नोट कर लो यार, तो हम भी बताते हैं। भैया वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, हम बता लेते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। अरे इसको रहने दो, ये वाला स्टेप तो अभी हमारे काम आ जाएगा। जरा ये ऊपर का सब तोता जो पला हुआ इसे मिटा देते हैं यहां तक, और देखते हैं अगर इतने में अट जाएगा तो ठीक है, वरना फिर धीरे धीरे करके कब्जा करेंगे। देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास तुमने M1 माना है, क्या माना है M1। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट है M2, ज्यादा देर तो हुआ नहीं ओवन से निकाले हुए, इसमें एक फोर्स F12 लगेगा, एक फोर्स F21 लगेगा। ठीक ठीक है भाई, ये क्या है, ये इंटरनल फोर्सेस है, ये इंटरनल फोर्सेस है बेटा। अब मान लो इस पर तुमने एक फोर्स F1 लगाया और एक फोर्स तुमने F2 लगाया, तो इन दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट होगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होगा, इफेक्ट होगा। यानी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे dP1 अपॉन dt इज इक्वल टू F12 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल, एक तो ये हो गया। एंड dP2, dP2 अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F21 इंटरनल प्लस F2 जो कि एक्सटर्नल है। भैया भैया अब dP1 प्लस dt और dP2 प्लस dt को जोड़ दो, dP1 प्लस dt और dP2 प्लस dt को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा dP अपॉन dt इज इक्वल टू dP1 अपॉन dt प्लस dP2 अपॉन dt। वेक्टर साइन लगाना मत भूलना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साइकिल पर मोहर लगाना। तो इसे लिखो dP अपॉन dt इज इक्वल टू dP1 अपॉन dt, ये हो गया F12, ये बेटा इंटरनल फोर्स है, ये इंटरनल, अब ये अट्रैक्टिव फोर्स है मास वाला, और ये मान लो हमने F1 अभी फिलहाल एक्सटर्नल लगाया है, फिर उसी तरीके से F21 हो गया, ये इंटरनल फोर्स है, और फिर ये F2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो आई अब आंटी की बारी, देखो क्या है dP, तुमको आंटी अंकल का कॉन्सेप्ट शायद हमने बताया नहीं होगा, आंटी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस की रोटेशन और अंकल का मतलब क्लॉकवाइज सेंस की रोटेशन, हमेशा याद रखना भूलना नहीं। अच्छा F12 इंटरनल प्लस F21 इंटरनल, बेटा इंटरनल फोर्सेस कभी तो ये दोनों पेयर में है और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ऐसे तुम समझ लो। बचा क्या, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, अरे बाप रे, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। अब इसको भी हमें सहित करना पड़ेगा, इसको सहित किया तो बाबू इसका प्लस इसका सम जीरो हो गया। और अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो पहले एक चीज दिखा तो लें, dP अपॉन dt इज इक्वल टू F नेट एक्सटर्नल, F नेट एक्सटर्नल, इफ F नेट एक्सटर्नल की वैल्यू कभी को जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा,
डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा? पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रूविंग है, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पांच नंबर में आता है। क्योंकि लंबा डेरिवेशन था इसलिए एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा, आपने नोट कर रखा होगा, कॉपी को खोलिए और वहां से देखना शुरू कीजिए। यहां पर हमने लिखा कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस M1 एंड M2 मूव फॉर्म आइसोलेटेड सिस्टम, यानी हम किसी तीसरे मास के बारे में वहां बात नहीं कर सकते। अब उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके अलग अलग मोमेंटम है, मान लीजिए P1 और P2 जो कि F1 और F2 की वजह से आए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि नेट मोमेंटम P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। अब सपोज किया आपने कि F1 और F2 दो फोर्सेज हैं जो आपने अपनी तरफ से अप्लाई किए हैं, जब अपनी तरफ से आप फोर्सेज अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स इन दोनों के सम का रिजल्टेंट इफेक्ट चेंज इन मोमेंटम होगा। तो एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज निकाला, दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला और दोनों को इंटरनल प्लस एक्सटर्नल के हिसाब से जोड़ा और जोड़कर फिर फाइनल दोनों का जोड़ा और जोड़कर हमने ये दिखाया कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होगा और इसका मतलब पी कॉन्स्टेंट होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द नेट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द नेट मोमेंटम ऑफ एन एक्सटर्नल एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये कहता है भाई आपसे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नेट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक, अब इसका एक बड़ा फायदा है, इसका एक बड़ा फायदा है, ये न्यूमेरिकल में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे इसमें हम आपको एक चीज बताएं, रिकॉइल ऑफ गन, इसमें आप तुम यार एक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, रिकॉइल ऑफ गन। द वेलोसिटी गेन by the gun after the shot of bullet is known as recoil velocity। ठीक, देखो मान लो तुम्हारे पास एक तमंचा है, ठीक है भैया, क्या है तमंचा, ये हम अपनी तरह से समझा रहे हैं, हालांकि तुम्हारी किताब में ऐसे चित्र उत्र नहीं बना हुआ है, ये तमंचा है, यहां एक बुलेट है। जब तुम बुलेट को इस डायरेक्शन में फायर करते हो, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ये मास ऑफ बुलेट है, तो गन जो है इस डायरेक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि गन प्लस बुलेट एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगी तो गन जो है इस डायरेक्शन में आएगी और ये इसको हम बीजी कहेंगे। अगर मास ऑफ दी गन हम एमजी माने तो चूंकि मास और बुलेट का एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। जब आप माउजर का ट्रिगर चढ़ाओगे तो आपने उसे एनर्जी दे दी, ठीक, अब एनर्जी स्टोर्ड हो गई, अब जब आप ट्रिगर दबाओगे तो वही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो तुम्हारा तो कोई करना है नहीं। तो इसमें बुलेट और मास, अरे उसको अगर सिस्टम मान लिया जाए तो हम लिख क्या सकते हैं, पी बुलेट प्लस पी गन वेक्टोरियल साइन के साथ लिखिए इज इक्वल टू जीरो।
ये है सीन असल में। तो मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट बी बड़े बी माना है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू माइनस का मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो जो वेलोसिटी ऑफ गन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिकॉइल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया? रिकॉइल वेलोसिटी। बाकी आप ना जानिए, रॉकेट प्रपोजन आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है रीडिफाइन सिलेबस के हिसाब से। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी में बताते हैं, लेकिन जाने दो, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म करके हम फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। डोंट वरी, रहिए आप लोग।